गोल्डन टोबैको कंपनी के बड़े अधिकारी संजय डालमिया को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय डालमिया पर 540 करोड़ की धोखाधड़ी का केस है। इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। आज उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डन टोबैको कंपनी के बड़े अधिकारी हैं डालमिया और उनको गिरफ्तार किया गया है। 540 करोड़ का ये धोखाधड़ी का मामला है और इसमें गिरफ्तारी हुई है कोलकाता एयरपोर्ट से। गिरफ्तारी तब हुई जब ये अधिकारी देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। को बता दें 540 करोड़ का धोखाधड़ी का ये बड़ा मामला है। लुकआउट सर्कुलर एक जारी किया गया था। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज़ संवाददाता गणेश ठाकुर, उनसे बात करते हैं। गणेश, ये पूरा मामला दरअसल है क्या जिसमें गोल्डन टोबैको कंपनी के इस बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस हिरासत में भेजा गया 14 दिन की? जी देखिए, ये लैंड ग्रैबिंग और एक जो एमओयू साइन किया गया था जीपीसी की तरफ से स्टेट डेवलपर के साथ में, ये वो पूरा मामला है। 2009 का मामला है। 2009 में जीपीसी और स्टेट डेवलपर्स और एक रियलिटी कंपनी है, उनके बीच में एक करार हुआ था, एमओयू साइन किया गया था। एक प्राइम लोकेशन है मुंबई के जुहू इस परिसर में, मिठीबाई कॉलेज के वहां पर, उसके यहाँ पे एक लैंड है। इस लैंड को लेकर, उस लैंड को डेवलप करने के लिए एमओयू साइन हुआ था। 540 करोड़ का ये पूरा मामला था जिसमें 132 करोड़ जीपीसी को स्टेट डेवलपर्स की तरफ से दिया गया था। और बाद में जब ये डील साइन हुई, एमओयू साइन हुई, उसके बाद में पता चला कि इस लैंड पर बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, टैक्स एविजन का पूरा मामला है और ये लैंड क्लियर नहीं है। तो ये एक फ्रॉड का मामला पूरा बना। पहले एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के जरिए इस मामले को जीटीसी की तरफ से सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये नहीं हुआ तो स्टेट डेवलपर्स की तरफ से इकोनॉमिक ऑफेंसिंग मुंबई क्राइम ब्रांच की जो विंग है वो वहाँ शिकायत की गई। मामला चला जब ये साबित हुआ कि हाँ पैसे लिए गए हैं और लैंड क्लियर नहीं की, तब जाकर ये पूरा मामला अदालत में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जीटीसी के जो चेयरमैन है संजय डालमिया, उनको पुलिस के सामने अप्रैल 11, 2014 तक सरेंडर करने को कहा, हाजिर होने को कहा, लेकिन उनकी तरफ से नहीं किया गया और इसकी अदालत की जो आदेश थे उसकी अवमानना की गई। इसीलिए एलओसी जारी किया गया था ईओडब्ल्यू की तरफ से, क्योंकि ये भाग रहे थे और कोलकाता से भी ये देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिया है। लेकिन लुकआउट नोटिस को रेस्पॉन्ड करते हुए उन्हें अप्रेहेंड किया गया, कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें पकड़ा गया और ईओडब्ल्यू को उन्हें या उनके कस्टडी में दिया गया। उनकी टीम वहां गई और आज उन्हें यहाँ मुंबई लाया गया और मुंबई की अदालत में ईओडब्ल्यू ने उन्हें पेश किया, जहाँ 14 दिन की पुलिस रिमांड में उन्हें भेजा है और आगे की तफ्तीश मुंबई क्राइम ब्रांच उनसे करने वाली है। शुक्रिया आपका गणेश इस तमाम जानकारी के लिए। संजय डालमिया 540 करोड़ की धोखाधड़ी का केस है। गोल्डन टोबैको कंपनी के चेयरमैन हैं संजय डालमिया और अब उनको गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की पुलिस हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है।